स्टार्ट हो गई हूँ जो मेरा ब्लॉग था स्टार्टिंग, तो ये सारी ब्लॉग ही समझिए। देखिए मैं सारा काम करने के बाद नहा धुल के मैं शाम को इस समय 6:30 बजे था और बैठ चली गई थी सब सामान ला के माता रानी का, जो गणेश लक्ष्मी गणेश का धनतेरस का पूजा होता है उनके लिए गई थी, झालर कपड़े, क्योंकि हमारे मंदिर के लिए झालर नहीं थे, वो था जो ख़राब हो चुका था, तो इसीलिए मैं फिर से गई थी। ये देखिए झालर लेके आई और ये हमारे लक्ष्मी गणेश, इन लोग को नहला वहला दिए हैं, अभी लोग को कपड़ा उपड़ा पहनाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो ये हमारी धनते और 5-6 दिया ऐसे ही जला भी देंगे। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी लोग को इस तरीके से सारे लोग, तीनों लक्ष्मी गणेश, एक गणेश भगवान मैं वहाँ से त्र्यंबकेश्वर महादेव से लाई थी, तो उसको भी यहाँ पे इनको लगा दी हूँ। तो ये दोनों हमारे चांदी के हैं, जो छोटे छोटे मेरे लक्ष्मी गणेश से, क्योंकि मूर्ति हमेशा लोग कहते छोटी होनी चाहिए, तो ये चांदी के हैं मेरे, तो इन्हें इस तरीके से नारा देव, इनका कपड़ा जो लाई हूँ खरीद के इन्हें पहनाऊँगी, इन्हें सजाऊँगी अपने, वही कहते हैं ना हर हम लोग सोचते ना त्यौहार होता है तो अपने लिए नया नया कपड़ा पहनो, ये करो वो करो, हाँ तो ऐसे अपने भगवान जी के लिए भी करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने लक्ष्मी गणेश के लिए लाई हूँ पूरा ऊपर से उड़ाने के लिए, फिर अलग से ये देखे गणेश जी के पीले हैं, लक्ष्मी जी के लाल हैं और माला दो ठो उनके लिए। तो कपड़े भी मैं थोड़े अच्छी क्वालिटी से ली हूँ, वो गड़बड़ वाला नहीं, थोड़ा सा जो गड़बड़ था वो अलग था, ये थोड़े अलग थे। तो देखिए हर चीज़ देखना चाहिए, हम लोग भी कपड़े अपने लिए सोचते हैं कि ब्रांड हो, बढ़िया हो, क्वालिटी अच्छा हो, पहनने में कंफर्टेबल हो, तो आप अपने ही अकॉर्डिंग हर चीज़ सोचिए कि ऐसे ही हर इंसान हो चाहे भगवान हो, आपके मन अच्छे होने चाहिए। तो मन से ही मैं सारे काम अपने हिसाब से, अपनी इच्छा जो होती है ना अंदर से, वो चीज़ें मैं सच बता दे मैं वही चीज़ें खुशी होगी कि हर चीज़ अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ जितनी भी मेरी सामर्थ्य थी जो भी चीज़ें था मैं अपने हिसाब से माता रानी का दी कपड़ा वो सारी चीज़ें के तैयार करना, हर धनतेरस को मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। तो ये वीडियो बना रही थी छोटी बेटी, तो वो थोड़ा सा इधर उधर हिला रही थी कैमरे को, क्योंकि उससे नहीं हो रहा था उस समय, भी छोटी है समझ के बात ही, हम तैयार कर रहे थे तो वो फटाफट वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैं तो दो काम कर नहीं सकती एक साथ में, तो आप लोग भी समझ सकते हैं। तो वहाँ मेरे गणेश भगवान के कपड़े उपड़े पहन के वो बैठ के तैयार हो गए, अब लक्ष्मी माता भी तैयार हो जा रही हैं इनके कपड़े थोड़े से ओढ़ाने के लिए भी, जो रेड कलर पीले कलर में ले आई हूँ वो भी करूँगी और माला वाला पहनूँगी, तो यहाँ पर मैं उड़ा दी हूँ माला फूल गेंदा का भी ले आई हूँ भगवान जी को, कुछ मम्मी कह रही थी तो मैं हंस भी रही थी, पूजा भी कर रही, पूजा भी स्टार्टिंग नहीं हुआ बस अभी। तो कल मेरे धनतेरस पे ये जो है, और मैंने स्टील का भी एक सामान ले लिया था और वो था चम्मच, क्योंकि रोके थे ब्लैक या नॉन ये चीज़ नहीं लेना चाहिए, तो इसके साथ साथ एक उसका भी शुभारम्भ कर दिया था। तो ये देखिए, और इसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी ऐसे छौकार लगाने के लिए। आज बन रहा है बहुत अच्छा सा नाश्ता बच्चों के लिए, एकदम हटके डेली बनता था, बच्चों को लंच देना था तो पूरी पराठा वगैरह जो भी बनता था ये सब दिलाता था, क्योंकि टिफिन देना था। ऐसे भी मैं बनाती थी, क्या बनाती थी, चीला बना देती थी या उत्पम बना देती, कुछ भी ऐसी रेसिपी जो मैं बना देती बच्चों को सुबह मॉर्निंग में ले जाने को, बट अपने नहीं खाना होता था उसने, क्योंकि मॉर्निंग का जो काम होता था वो आप लोग देखते ही थे। बट आज जो है, आज छोटी दीपावली है तो जिसके कारण छुट्टी है और बच्चे आज हॉलीडे है, तो आज मैं सोची चलो आज कई दिन से बोल रहे थे कि मैं वहाँ चाउमिन बना दो, चाउमिन बना, चाउमिन के लिए तो आज बन रहा है चाउमिन, अलग से नाश्ता, बट खाना भी समय पे चाहिए, क्योंकि पापा जी को चाहिए
तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज आप लोग के साथ एक अच्छी रेसिपी तो मैंने कई बार शेयर कर दी है, बट ब्लॉग ही चला था तो आप कुछ क्लिप आप लोग के लिए देना है। तो चलिए अभी चलते हैं। और कल मैं धनतेरस पे क्या ली थी वो भी आपको दिखाऊंगी, जैसे मुझे जरूरत थी उसकी, वो काफ़ी दिन सोच रही थी तो वो भी हो गया। तो उसी में आज मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करूँगी चाउमीन। अच्छा तो चलिए मैं करती हूँ काम को अपने स्टार्ट। तो आई होप आप लोग तो गैस ये देखिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ये नीचे से एंट्री होता है और ये मेरा लॉबी है। इधर ऊपर सीढ़ी चढ़ेंगे फिर इधर ये लॉबी है और मेरी मशीन यहाँ आ चुकी है। ये बात यहाँ पे इसकी लाइट जलाए आप लोग को दिखाएं। ये देखिए ये बाथरूम है, सारा चीज़ तैयार हो गया और घर मेरा क्लीन हो गया। और किचन यहाँ पे है, इस बार इस साइड से है इसका। तो अभी मॉर्निंग सुबह की हो गई है 7:30 और मैं आ गई हूँ कपड़ा डालने। बेटा वो उनकी जमीन में कैसे अपना ये बॉटल आ गया? वो कौन ऊपर से पानी उन लोग को दे दिया। तो हो गई है गुड मॉर्निंग और यहाँ पे मैं अभी नहा करके आ चुकी हूँ। यहाँ पे कर्फ्यू अपलब हो गया, मैं आई हूँ छत पे कपड़ा डालने। तो मैं सोची चलो आप लोग को दिखाती हूँ ना करूँ। अभी चल रही हूँ ऊपर कपड़ा डालने। ऊपर तो फिर से कूड़ा कूड़ा हो गया है, सफाई की थी सारा सामान हटा हटा के फिर से वही हाल हो गया। ये वाला चौकी जो है उस रूम में जाएगा आगे वाले में। सर ये बहुत अच्छा बन गया है। तो ये वाला जाके हुआ है, कल साफ सफाई पूरी आंदोलन चालू था। अभी तक का काउंटर इधर पहले कैसे इधर चढ़ा हुआ था अब ऐसे नहीं है। हाँ ये देखिए चौगड़ी उगड़िया सारा चीज फैला है छत पर। रात को सारे पर्दे धुल धाम के साफ करके रात को 10:30 बजे तक मैंने पर्दे को सारे अपने कॉटन को धुले हैं साफ किए हैं, फिर उसके बाद डाले रात को 11 बजे भोजन के। ये देखिए चिकनी चमेली हो गई सारी। अब हो सकता है वो देखिए कब तक न्यू पर्दा देते हैं तब तक यही काम चलेगा। झील मिला चांद भी बदले में जाके यूं ही वो शर्मा गया। और इसमें था भालू नीचे से लाए ऐसा पटके उसकी बेचारी की हालत पंचर हो गई। ये देखिए इधर पट गया, ये सब पट गया। और अभी रूम का हाल बेहाल हुआ है, टाइल्स इस ऊपर वाले बाथरूम में कितना टाइल्स लग चुका है, इतना ये सब लगा रह चुके हैं। आज हमको लग रहा है अगर फाइनल कर भी देंगे तो अच्छी बात है, हो जाना चाहिए, बट देखिए क्या करते हैं। ये चीज़ें हैं वो कटिंग किए हैं ना वो इटा करके, इसीलिए कलर हो गया है। तो एसी कोडिंग काम चल रहा है, अभी चलते हैं मिलते हैं। और तो आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। और कल मेरा ब्लॉग नहीं गया था, कल कारण था मेरा ब्लॉग नहीं जाने का, क्योंकि पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिला। पूरे दिन मैं साफ़ सफाई में करते करते मेरे सुबह में जो पैर होते हम पूरी तरीके से बोल चुके थे, बट क्या करें काम तो करना ही है। एक साइड इतने ढेर
और मैं इतने बड़े चाकू से इसे चला चला के देख रही हूँ। ये काफ़ी यूजफुल है क्योंकि अंदर ऐसे ही डाल दो, दिक्कत भी नहीं होगी, देखने से एक दो पकड़ा भी जाएंगे, दिखा भी देंगे कि हो गए हैं कि नहीं, तो ये काफ़ी यूज में आ गया। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ काट ली हूँ। सब्जियों में क्या है, ये पहले कूड़ा मैं हटा देती हूँ, कूड़ा हटाने के बाद फिर मैं यहाँ सब्जी कटिंग करूँगी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्चा, तो दो ही चीज़ क्या था, प्याज तो मैं डालूँगी नहीं, उसे इग्नोर कर दूँगी। प्याज यही ज़रूरत होती है चाउमीन में, बहुत लोग ऐसे ही डाल देते हैं, बट चाउमीन में प्याज तो नहीं उतना मान्य है, बट और जितनी भी चीज़ें हैं, बस एक और मेरे लिए नहीं मिला जो काफ़ी ज़्यादा हेयरफुल होता है, वो क्या है, गाजर। तो गाजर नहीं मिला तो चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं सब्जी पत्ता गोभी शिमला मिर्चा निकालती हूँ और डालती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मुझे मिल गया, अजीनोमोटो भी अभी मिल गया, सोया सॉस था ही मेरे पास, अजीनोमोटो नहीं था तो मैं जो हमारे पास में दुकान वहाँ से मैं मंगा ली हूँ, तो यहाँ पर मैं उसको अब निकाल लेती हूँ। तो ये चलती हूँ कटिंग करने, तो आप लोग मेरी कटिंग करने का तरीका देखिए कितनी गजब तरीके से काटती हूँ मैं। तुरंत आप बॉयल करते हैं उसके बाद तुरंत दूध दीजिए, और बॉयल करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि उसमें पानी जब आपका उबलने लगे उबलने लगे तो उसमें क्या करें कि आपको थोड़ा सा रिफाइंड डाल देना है जिससे वो एक दूसरे में नहीं होगा, और उसके बाद फिर उबलने के बाद आप थोड़ा उसे तुरंत ठंडे पानी से धो के रख दीजिए, उसका पानी निकला और फिर उसे उठाइए, देखिए कितना चीज होता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, अभी मैं अपने पानी को गिरा रही हूँ, पूरे तरीके से प्रोसेस को देखिए, जो लोग चाउमीन अगर बनाते हैं उनकी चाउमीन इस तरीके से एक दूसरे में चिपक जाता है, छुपता ना हो, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, या फिर देखिए मैं इस तरीके से कैसे आपको दिखाऊंगी पूरी अच्छे तरीके से ये कैसे हो रहा है, क्योंकि बैठना पूरी करनी है मेरी, तो मेरे हाथ से छूट रहे हैं, देखिए देख रहे हैं, इस तरीके से इसे इस तरीके से आप धो दीजिए, इसके लिए अलग अलग एक पीस अलग अलग हो जाएगा, और बहुत ही बनने में भी आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से बन भी रहा। तो यहाँ पे धुलने के समय मैं धुला रही, यहाँ पे मेरी चाउमीन बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ मैं काली मिर्च जो गोल वाली होती है उसे कूटी हूँ, कूट के रख ली हूँ, या पत्ता गोभी शिमला मिर्चा कटिंग आप लोग देखे ही होंगे, तो सारी चीज़ मैं तैयार कर ली हूँ, और मैं ये नॉन स्टिक जो पेन था उसी में मैं स्टार्ट हूँ बनाना, और काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया था कम ऑयल में, तो जो कि ये तो उसको मालूम है बट होते हैं थोड़े से, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और शिमला मिर्चा डालने जाती थी पर हाथ मेरे जल गए, तो फिर मैं इसे डाली, क्योंकि ये जो अलग मैं थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को उतना शिमला मिर्चा नहीं पसंद है, नहीं खाते हैं, तो इसमें पत्ता गोभी अधिक रहेगा, शिमला मिर्चे कम रहेंगे, और गाजर तो मिला ही नहीं, तो गाजर कहाँ से, ये है सोया सॉस जो मैं डाल रही हूँ, ये देखिए
तो यहाँ पे सोया सॉस में डाल दी अपने अकॉर्डिंग, आप अपने हिसाब से जितना आपको पसंद आए, बहुत लोगों को जैसा पसंद आता फ्लेवर बेट, मुझे जितना ही ज़्यादा पड़ जाता है उसके कलर थोड़े से आ जाते हैं ब्राउन ब्राउन जो काले में। तो सारा चीज़ इस तरीके से मिला के वो बनते ही क्या मुँह में पानी आने लगा, बहुत ही टेस्टी बन रहा है। तो ये पहले जो बना रही हूँ थोड़ा सा इतना मेरे तीन बच्चों के लिए, जिसमें बहुत कम शिमला मिर्च वगैरह पड़े हैं, सॉस भी थोड़े कम पड़ेंगे, चिली सॉस तो बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, तो और सॉस टमेटो सॉस वो लोग अपने सामने ही डालेंगे खाते ही समय। तो यहाँ पे मैं पूरे अच्छे तरीके से बना के तैयार करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो। तो देखिए वाह क्या चाउमीन बन के तैयार हुआ है, इसे देख तो आप लोग के मुंह में पानी आ जाएगा। और मेरे ब्लॉग तो स्टार्ट हो ही गए थे, तो आज के नाश्ता ही कुछ हटके बन गया। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक यहाँ पे चल गया है चाउमीन का नाश्ता, तो चलिए कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। आप गंदे पोजिशन में बहुत गंदे हैं।